प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पम के घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले हैं जिन्हें देखने के बाद हर किसी के होश उड़ चुके हैं। कार्रवाई के बाद डीएम और एसएसपी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या है वो खुलासे, आइए सुनते हैं। आज जावेद मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पर उसके अवैध निर्माण पर ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस जावेद मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा, ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। जावेद पंप का इनका जो अवैध निर्माण था, उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए, ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। और इस पे काफ़ी बड़ी टीम ने कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके कार्रवाई की है।